अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सैटरडे 1 जुलाई 2020। तो चैप्टर नंबर 6 जो है वो हमारा कंटिन्यू है। तो टॉपिक 6.4 जो है वो भी इसी चैप्टर में से हम स्टडी कर रहे हैं। अभी उसका जो रिमेनिंग पोर्शन है वो देखते हैं, और कुछ जो हम टच करेंगे आज 6.5 टॉपिक को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन। परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास, वी डिनोटेड, वी से डिनोट किया, वॉल्यूम को डिनोट किया जा रहा है वी से और मास को एम से, ठीक है। परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास, ये क्या है जी, इसको पढ़ते हैं। इट इज़ द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ द सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, 10% ऑफ वॉल्यूम बाय मास अल्कोहल सोल्यूशन इन वाटर means 10 cubic centimeter of alcohol is dissolved in unknown volume of water, so that the total mass of the solution is 100 grams. In such solutions, the mass of solution is under consideration, but the total volume of the solution is not considered. Student, solute ke volume ki quantity jo ki cubic centimeter mein, ठीक है, अगर हम लें तो उसकी वो मकदार जो सॉल्यूशन के 100 ग्राम्स में हल हो वो परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ तक तो होगी इसकी डेफिनेशन। आगे इसकी एग्जांपल है, मसलन 10% वॉल्यूम बाय मास अल्कोहल के सॉल्यूशन से मुराद ये है कि 10 क्यूबिक सेंटीमीटर अल्कोहल को पानी में हल करके 100 ग्राम सॉल्यूशन बनाया गया है। इस सॉल्यूशन में सॉल्यूशन का जो मास है वो जो है वो उस पर फोकस किया जाता है, यानी कि उसको मद्देनज़र रखा जाता है, वॉल्यूम को नहीं। ठीक है, सो टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इज़ नॉट कंसिडर्ड। कंसिडर्ड क्या चीज़ की जाती है, सॉल्यूशन ऑफ द मास ऑफ सॉल्यूशन इज अंडर कंसिडर। सो मास ऑफ द सॉल्यूशन जो है उसको मद्देनजर रखा जाता है, लेकिन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन को नहीं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है जी, परसेंटेज वॉल्यूम बाय मास इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, ये ऑलरेडी आप लोगों को चीज़ें पता है। ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का जो वॉल्यूम है वो हमने लेना है क्यूबिक सेंटीमीटर में, और उसके साथ हमें बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स में हमने लेना है। ठीक है, उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास वॉल्यूम बाय मास परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास परसेंटेज कौन सी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ये क्या है जी, इसको पढ़ते हैं। इट इज़ द वॉल्यूम इन क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड पर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ द सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल, 30% अल्कोहल सॉल्यूशन मीन्स 30 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ अल्कोहल डिजॉल्व्ड इन सफिशेंट अमाउंट ऑफ वाटर, सो दैट द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बिकम्स 100 क्यूबिक सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि सॉल्यूट के वॉल्यूम की क्यूबिक सेंटीमीटर में वो मकदार जो सॉल्यूशन के 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में हल हो परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कहलाती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। आगे एग्जांपल है इसकी, मसलन 30% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम से मुराद है कि सॉल्यूशन के 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में अल्कोहल के 30 क्यूबिक सेंटीमीटर सॉल्व है, हल है। ठीक है, इसका फॉर्मूला है हमारे पास परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूट इन क्यूबिक सेंटीमीटर ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक सेंटीमीटर, दोनों के साथ सी एम क्यूब लिखना है। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई किससे करना है, हमने 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी किसकी, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम की परसेंटेज आ जाएगी। ठीक है, तो ये सबके फॉर्मूला जो है ये डिफरेंट है, तो ये आपको जो है वो माइंड में रखना पड़ेंगे याद करने के लिए।
नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे मोलैरिटी को. मोलैरिटी क्या है? इट इज अ कंसेंट्रेशन यूनिट डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन 1 डेसीमीटर क्यूबिक ऑफ द सॉल्यूशन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम. मोलैरिटी इज द यूनिट mostly used in the chemistry and allied sciences. The formula used for the preparation of molar solution is as follows. Molarity जो है ये concentration unit है. So इसकी definition ये है कि solute के moles की तादाद जो एक decimeter cubic solution में हल की गई हो उसको capital M से जाहिर किया जाता है. मोलैरिटी वो यूनिट है जो केमिस्ट्री और उसके जो रिलेटेड जो शोभा जात हैं उनमें जो है वो मोस्टली यूज़ होती है मोलर सॉल्यूशन की तैयारी के लिए. जो इसके कुछ जो है इक्वेशन है इसकी, इसका जो फॉर्मूला है वो है मोलैरिटी, जिसको हमने कहा कि हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से. तो उसके साथ हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूट लेंगे इन ग्राम्स ओवर मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल और बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक डेसीमीटर. ठीक है, तो जिसके साथ डी एम क्यूब लिखा है डी एम क्यूब लिखना है, जिसके साथ सी एम क्यूब लिखा है तो सी एम क्यूब लिखना है. ठीक है, ग्राम पर मोल है तो वहाँ पर वो लिखना है, ग्राम लिखा है तो अकेला ग्राम लिखना है. तो ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा आपको. तो इसके साथ इसके इक्वल हम लेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक डेसीमीटर. एक तो ये है फॉर्मूला इसका मोलैरिटी, तो ये दूसरा वाला जो है ये भी मोलैरिटी का ही फॉर्मूला है. मोलैरिटी कैपिटल एम से डिनोट करते हैं हम. मास ऑफ सॉल्यूट अगर हम लें इन ग्राम्स तो उसको डिवाइड हम किससे करेंगे, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर मोल मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्यूबिक डेसीमीटर. ठीक है, तुम्हारे पास ये है मोलैरिटी का फॉर्मूला. तो नेक्स्ट हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन. वन मोलर सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग 1 मोल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट इन सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू मेक द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन अप टू 1 क्यूबिक डेसीमीटर इन अ मेजरिंग फ्लास्क. फॉर एग्जांपल 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रिपेयर्ड by dissolving 40 gram of sodium hydroxide in sufficient water to make the total volume 1 decimeter cube या 1 cubic decimeter दोनों तरह से पढ़ सकते हैं. As amount of solute is increased, its concentration or molarity also increases. 2.0 M solution is more concentrated than 1.0 M solution. ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब है कि एक मोलर सोल्यूशन तैयार करने के लिए एक मोल सल्यूट को पानी की इतनी ही क्वांटिटी में जो है वो सॉल्व किया जाता है, हल किया जाता है कि सोल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 1 decimeter cubic हो जाए. इस सॉल्यूशन को मेजरिंग फ्लास्क में बनाया जाता है. ठीक है, तो जब आप लोग प्रैक्टिकल आप लोगों को हम करवाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेंगे. अभी ये शायद आप लोगों को ना पता उन चीज़ों का, मेजरिंग फ्लास्क वगैरह ऑपरेटर्स वगैरह सारे. तो मेजरिंग फ्लास्क में बनाया जाता है मसलन सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो ये जितना भी हम आज का और कल का टॉपिक है हमारा, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल से थोड़ा रिलेटेड है, तो इसलिए परेशान नहीं होना, आपको इंशाल्लाह समझ आती जाएगी साथ साथ. मसलन सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक मोलर सॉल्यूशन की तैयारी के लिए 40 ग्राम यानी कि 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को उतने ही पानी में हल किया जाता है कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम 1 dm³ हो जाए. ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स मोलर सॉल्यूशन की तैयारी थी, यानी कि प्रिपरेशन ऑफ मोलर सॉल्यूशन. ठीक है,